प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं। यह स्टोरी सिलेबस के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या एक मोटिवेशन के तौर पे भी आप सुन सकते हैं। मोटिवेट करने के लिए भी बहुत अच्छा स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि किस चीज़ को प्रशंसा करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं। इस स्टोरी के माध्यम से यह पता चलेगा कि जो दिखने में जो अच्छा होता है, क्या वह कामयाब होता है या नहीं, या जो चीज़ बुरा दिखने में होता है, क्या वह ख़राब ही होता है। ये सारी चर्चा इस स्टोरी के माध्यम से किया गया है। स्टोरी का टाइटल है द वेन स्टेग। वेन का मतलब होता है अहंकारी, स्टेग मतलब होता है हिरन, अहंकारी हिरन या घमंडी हिरन भी कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। जैसे कि इसी हिरन के बारे में जो भगवान राम हैं, इसके पीछे पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह सोना का है, लेकिन बाद में चल के वो हानि पहुंचाया। तो दिखने में सुंदर दिखता है, लेकिन उसका काम सुंदर है या नहीं, इस स्टोरी के माध्यम से भी पता चलेगा। अब स्टोरी शुरू करते हैं और इसका जो कंक्लूजन होगा, ये बड़ा आप गौर से देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ ये राइटर ने इस स्टोरी के माध्यम से बताया है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल समर डे। एक सुंदर गर्मी का दिन था। ए स्टेग वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। एक हिरन जंगल में इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग थर्स्टी। वह प्यासा महसूस किया। ही सॉ ए पुल ऑफ क्लियर एंड स्टिल वाटर। वह एक पुल देखा, उसके पास में साफ और शांत पानी था। ही वॉक्ड अप टू द पुल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। वह प्यास बुझाने के लिए वो पुल के पास टहल करके गया। एज ही वेंट हिज हेड टू ड्रिंक फ्रॉम द पुल द ही नोटिस्ड हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। जो ही वह पानी पीने के लिए सिर झुकाया, तो वह अपने आप को नोटिस करता है, देखता है कि मेरा जो चेहरा है, मेरा जो रिफ्लेक्शन है, चेहरे का जो रिफ्लेक्शन है, वह पानी में दिखाई देता है। He looked at his image admiringly. वह अपना प्रतिबिंब या चेहरा या परछाई, जो कह लीजिए, वह प्रशंसापूर्वक देखता है। I am really handsome, said the stag to himself. मैं वास्तव में इतना खूबसूरत हूँ, इतना सुंदर हूँ, हिरन अपने आप से कहता है। हाउ ब्यूटिफुल माई एंटलर्स। मेरे एंटलर्स कितने खूबसूरत है। एंटलर्स मतलब होता है सिंग, और हिरन का जो सिंग होता है वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। यही कारण है कि कई एक बार हिरन को शिकार होना पड़ता है। I should be proud of them. मुझे इसकी प्रशंसा करना चाहिए, मुझे इस पर गर्व करना चाहिए। If only my spindly legs and tiny feet looked as beautiful as my antlers. सिर्फ और सिर्फ मेरा जो spindly legs, छोटा सा, spindly मतलब होता है पतला सा पैर, और टीनी फिट पतला सा छोटा सा जो पैर है, या काश मेरे एंटलर्स की तरह ही
सुंदर दिखता। आई एम असेम्ड ऑफ दिस अगली लेग्स, यह खराब या कुरूप जो पैर है मैं इससे लज्जित महसूस करता हूँ। असेम्ड मतलब होता है लज्जित महसूस करना। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स मोर वर्दी टू वियर सच ए नोवेल क्राउन एज माय एंटलर्स। मेरी इच्छा है कि मेरे पास जो इस सुंदर जो लेग्स है, जो पैर है, जो मेरे सिर के ऊपर ताज है, जो मेरे सर के ऊपर नोवेल क्राउन यानी बहुत सुंदर सा सिंह के रूप में ताज है, इससे भी कीमती, इससे भी ज़्यादा सुंदर मेरा पैर होता, इसकी इच्छा है। विथ सच थाट्स इन हिज माइंड इट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। ऐसा ही विचार इसके दिमाग में चल रहा था, जो ही ऐसा विचार इसके दिमाग में चल रहा था वह पानी पीना भी भूल गया। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, ही कुड स्मेल द प्रेजेंस ऑफ हंटर विथ हिज सेंसेटिव नोस्ट्राइल्स। सेंसेटिव मतलब होता है संवेदनशील, नोस्ट्राइल्स मतलब होता है श्वसन तंत्र। हिरन के पास वह कैपेसिटी है, वह क्षमता है कि वह सूंघ करके पता कर लेता है कि आसपास में कोई खतरा है। उसी क्षण वह महसूस करता है कि मेरे आसपास जो है कोई हंटर है। एज ही रेज्ड हिज हेड, जो ही वह अपना सिर उठाया, ही सॉ द डेंजर नियर बाय, वह पास में खतरा महसूस किया। एज ही स्टार्टेड रनिंग, जो ही वह दौड़ना शुरू किया, एन एरो वेंट पास्ट हिम, तो उसके पीछे से एक तीर गुजरा, उसके आसपास से, उसके पास से एक तीर निकला। सुन, जल्द ही हिज लेग्स कैरिड हिम स्पीडली टू द प्लेस ऑफ सेफ्टी। जल्द ही उसका जो पैर था उससे लेकर के एक सुरक्षित स्थान पर तेजी से पहुंचा दिया। ही वॉज थैंकफुल टू हिज लेग्स एंड फीट, वह अपने पैरों के लिए कृतज्ञता महसूस करने के लिए हो गया, यानी उसको धन्यवाद के पात्र बन गया था, उसको धन्यवाद देने योग्य हो गया था वो अपने पैरों के प्रति। एज ही वाज आउट ऑफ डेंजर, जो ही वह खतरा से बाहर महसूस किया, खतरा से बाहर चला गया, ही अगेन बिगन टू थिंक अबाउट हिज इमेज इन द पूल, वह फिर से उस इमेज के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो इमेज, जो प्रतिबिंब वह पूल के पास देखा था। He was so lost in his vain thoughts that he could not realize that his antlers got entangled in the thick bush. वह बेकार की बातों में इतना गुम हो गया, इतना खो गया कि वह महसूस ही नहीं कर पाया कि उसका जो सिंग है वह मोटी सी झाड़ी में फंस गया है। इंटेंजल्ट मतलब होता है फंस जाना, एंटलर्स मतलब बता ही दिए हैं, सिंग होता है, थॉट्स मतलब विचार होता है, रियलाइज मतलब महसूस करता है। यहाँ पे कह रहा है कि वह बेकार की बातों में इतना खो गया कि वह महसूस ही नहीं कर पाया कि उसका सिंग वह एक मोटी सी झाड़ी में फंस गया है। He tried to free himself, but alas, he could not.
वह उस झाड़ी से फ्री होने का बहुत प्रयास किया। वह उस झाड़ी से, जो झाड़ी में सिंह फंसा हुआ था, उससे फ्री होने का, उससे आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया खुद का। बट अल्लास, लेकिन हे भगवान, ही कुड नॉट, लेकिन वह अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाया, कर सका। ही हैड एडमायर्ड द एंटलर्स एट द पुल बट नाउ दे हैड गॉट हिम इन टू सच ए ग्रेट डेंजर। इन टू, यहाँ पे यू नहीं होगा, यू को यदि हटा देते हैं तो सही हो जाएगा। ही हैड एडमायर द एंटलर्स एट द पुल, वह पुल के नीचे, वह पुल के नीचे अपने सिंह का बहुत ही प्रशंसा कर रहा था। बट नाउ दे हैड गॉट, लेकिन वह अब, लेकिन वही उसके लिए खतरे में डाल दिया है। यहाँ पे सिंह की चर्चा हो रही है, दे का मतलब यहाँ पे सिंह। दे हैड गॉट हिम इंटू सच ए ग्रेट डेंजर, बहुत ही खतरे में उसको डाल दिया है। कौन? उसका जो सिंह है, सो यानी देखने में तो बहुत खूबसूरत है उसका सिंह, लेकिन अभी उसको खतरे में डाल चुका है। अगेन ही फेल्ट द स्मेल ऑफ हंटर, वह फिर से शिकारी को प्रेजेंट होने का, वहां पे उपस्थित होने का महसूस किया। ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ बट हिज ब्यूटीफुल एंटलर्स वुड नॉट हेल्प हिम, वह अपने आप को फ्री होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका जो सुंदर सा, बहुत ही खूबसूरत सा जो सिंह है, वह उसको फ्री होने में मदद नहीं किया। द हंटर्स एरो फाउंड इट्स मार्क, जो हंटर्स था, जो शिकारी था, वह उसके चिन्ह को दे करके पता कर लिया और उसको तीर चला दिया उसके ऊपर। द स्टेग फेल्ट सॉरी फॉर हिज थिन लेग्स विच वेयर यूजफुल टू हिम एंड ही ऑलवेज डिस्पाइज देम। द स्टेग फेल्ट सॉरी फॉर हिज थिन लेग्स, उसकी जो पतली सी, दुबली सी, छोटी सी लेग्स, यानी उसका पैर था, उसके लिए वह दुखित, दुखी महसूस किया, दुखी इस बात की महसूस किया। विच वेयर यूजफुल, जो कि उसके लिए बहुत ही उपयोगी था, टू हिम एंड ही ऑलवेज डिस्पाइज्ड देम। डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना, वह इतना उपयोगी था उसके बावजूद भी उसका तिरस्कार करता था, इसके लिए वह सॉरी महसूस किया, दुखी महसूस हुआ। ही रियलाइज्ड दैट ही ऑन वैनिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज अनटाइमली डेथ, वह महसूस किया कि वह खुद का जिम्मेवार है। वैनिटी मतलब होता है यहाँ पे व्यर्थ, वह खुद को व्यर्थ के महसूस करने पर वह अपने आप को जिम्मेवार हुआ। रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेवार होना। हिज अनटाइमली डेथ, आकस्मिक मौत होने का वो खुद ब खुद जिम्मेवार माना, कि हम व्यर्थ की बातों को सोच रहे थे और जिसे प्रशंसा करना चाहिए, जिसे जो यूजफुल है, जो उपयोगी है, उसको हम नकार रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे। इस स्टोरी के माध्यम से आपको यह शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ दिखने में खराब दिखता है तो इसका उपयोगिता भी खराब नहीं होता है, उसकी उपयोगिता जो है बहुत ही अच्छा ही होता है।
और जो आपको दिखने में अच्छा लगता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका भी उपयोगिता अच्छा ही हो, उसका यूज भी अच्छा ही हो। तो जो एक बार दिखने में आपको अच्छा लगे तो उसे आप प्रयास कीजिए कि सही से जानें, परखें, समझें, उसके बाद उसके उपयोगिता के बारे में जानें, तो जाके उसको यदि प्रशंसा करना है तो प्रशंसा करें अथवा तिरस्कार करें। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी के माध्यम से एक आप मोटिवेशन मिलेगा कि जो दिखने में होता है वह वाकई में उपयोगी नहीं होता है, और जो दिखने में ख़राब होता है वाकई में वह ख़राब नहीं होता है। यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।